श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः। ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भारत देश के अनेक यति परंपराओं पर आज प्रायः पूरे विश्व में जनमानस में विराजमान है परम पूजनीय पेजावर मठ के श्री श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, जगद्गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी के स्थापित श्री कृष्ण के पूजा के लिए 8 सन्यासियों का नियोजन। इसी सन्यासी परंपरा में यदि परंपरा में 8 मठों का स्थापना, उसमें एक मठ है पेजावर मठ। इस मठ के प्रस्तुत पीठाधिपति विश्वेश तीर्थ स्वामी जी अपने ही कुछ ढंग से, अपने ही कुछ आंदोलनों से, अपने ही कुछ निर्धारणों से आज पूरे विश्व में और भारत में ही जनमानस में विराजमान है। इनका जन्म कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिला पुत्तूर तालुक में एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव है रामकुंज, यहां पर 1953 पर हुआ। वैशाख शुद्ध दशमी के दिव्य अवसर पर जिनका जन्म हुआ, वे जन्मतः माता पिताओं द्वारा वेंकट रमन नाम से माने जाते थे। ठीक 7 साल बाद इनका उपनयन संस्कार हुआ, तथैव 8वें साल में, मतलब अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा ए वेंकट रमन पेजावर मठ के निकट पूर्व पीठाधिपति पूजनीय श्री विश्वमान्य तीर्थ स्वामी जी से संन्यास आश्रम स्वीकार किए। संन्यास आश्रम स्वीकार करते ही इनका नाम हुआ श्री श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। दिसंबर 3 तारीख को 1938 पर इनका संन्यास आश्रम हुआ, जो रामायण के विचारों पर अगर विमर्श करें तो रामायण के अवसर पर जिसको किष्किंधा कहलाते थे, वह क्षेत्र अभी कर्नाटक में हम्पी के नाम में प्रसिद्ध है। इस हम्पी के तीर्थ क्षेत्र में एक यंत्रोद्धार हनुमान जी का सन्निधान है। इस यंत्रोद्धार हनुमान जी का सन्निधान में ही पूजय स्वामी जी को संन्यास प्रदान किया गया। संन्यास लेते ही फलिमारु मठ के, उस वक्त वे भंडारी केरी मठ के स्वामी जी थे पूजनीय विद्यामान्य तीर्थ स्वामी जी, उनसे शास्त्र अध्ययन के लिए नियुक्त हुए हमारे विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। नियुक्त होते ही अपनी बाल्यवस्था में ही इस तरह का पांडित्यों को उन्होंने संपादन कर लिया, शायद ही ऐसे पंडित वाग्मी सारे भारतीय संस्कृतियों को अध्ययन किए हुए, चाहे वो उनके हमारे खुद का मत्व सिद्धांत हो, द्वैत फिलॉसफी द्वैत सिद्धांत, या शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत हो, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत हो, या अलग अलग सांस्कृतिक प्रकार जो मीमांसा शास्त्र कहलाता है, धर्मशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, अलंकार शास्त्र, इन सारे विचारों पर प्रगल्भ पांडित्य को संपादन करके आज शायद ही विश्व में इन जैसे एक पंडित अर्थात ज्ञानी विद्वान सन्यासी और कोई नहीं हो सकता।
अपने बचपन में ही अर्थात अपने 12वीं साल में विद्यामान्य तीर्थ जी के साथ नियुक्त हुए 8वें साल में शास्त्र अध्ययन के लिए, ठीक 4 साल बाद अपने 12वें साल में माधुराधान संवर्धनी सभा का अध्यक्ष, उम्र देखिए 12 साल का बच्चा, अगर आजकल का बच्चा होता तो वीडियो गेम खेलता बैठता होता, ये उस जमाने में इनका संस्कार इस तरह से था, अपने 12वें साल में माधुराधान संवर्धनी सभा का अध्यक्ष होकर और विश्व में अनेक जगहों में प्रसारित हुए अनेक माध्व युवाओं को माध्व जनों को संगठित करने के लिए इन्होंने एक संस्था को जन्म दिया जिसका नाम है अखिल भारत माध्व महामंडल। तथैव इस अखिल भारत माध्व महामंडल के अनुसार अनेक धार्मिक शैक्षणिक क्रांतियों को पूज्य स्वामी जी ने किया और आज भी कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के अनेक छात्र जो लौकिक अध्ययन को करने में बहुत आर्थिक समस्याओं को झेल रहे हैं, उनकी समस्याओं को मन में नजर रखते हुए जहां जहां महाविद्यालय हैं, वहां पे छात्रालय का स्थापन करना, ब्राह्मण छात्रों को वहां पे मुफ्त अवसर देना, अवकाश देना, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं अन्य लोगों को भी जहां जहां महाविद्यालय होता है, हिंदू धर्म के सारे जाति के सारे लोगों को एकत्र इकट्ठा कर शांति स्थापना के लिए इनका अविरत जो प्रयत्न है, छात्रों के लिए करने वाला जो सेवा है, ये सब ये भगवान की सेवा कह के मानते हुए अपने जीवन में अविरत रूप से कर रहे हैं। तथैव 1956 में भारतीय संस्कृति की रक्षा तथैव गुरुकुल शिक्षण पद्धति को रक्षण करने के विचार पर 1956 में इन्होंने बेंगलोर में 3 एकड़ जमीन को खरीद के वहां पे पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ नाम का एक गुरुकुल पद्धति शिक्षण संस्था को प्रारंभ किया, जो आज वज्र महोत्सव को समाप्त करके अमृत महोत्सव प्रारंभ करने के लिए अपना कदम उठा रहा है। अनेक सैकड़ों शास्त्र विद्वानों को यह संस्था आज भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाकर अपनी सेवा निरंतर रूप से कर रहा है। ये पूज्य स्वामी जी के महोन्नति योजनाओं में ये एक बहुत बड़ा योजना कहलाता है, बहुत बड़ा योजना भी है, ये हमारे महसूस की बात है, अनुभव की बात है। इसी प्रकार सिर्फ धार्मिक विचारों पर ही नहीं, सामाजिक रूप से अगर हम देखें, जो रोगी हैं, जिनकी चिकित्सा का आर्थिक मूल्य देने में अशक्त हैं, उनके लिए जनसेवा केंद्र का स्थापना, उसी प्रकार देश में कहीं भी प्राकृतिक विकोप हो, 2006 में तमिलनाडु में सुनामी आया, इससे पहले गुजरात कच्छ और भुज में भूकंप हुआ, गुलबर्गा में बाढ़ आया, ओडिशा में चंडमारुत साइक्लोन आया, इसकी वजह से अनेक लोग अपने घर बार परिवार को खोकर निराश्रित हो गए थे। उन जगहों को दौड़कर स्वामी जी वहां खाने का इंतजाम, उनके लिए रहने का इंतजाम, कुछ लोगों को घर बना कर देना, ऐसे अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों को भी अपने ही ढंग से कर रहे हैं हमारे आदरणीय गुरुजी पेजावर स्वामी जी। तथैव हिंदू समाज में जो एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है अस्पृश्यता, इस अस्पृश्यता को निवारण करने के लिए दलितों की बस्तियों में स्वयं पदयात्रा करके उन सारे दलितों को संगठित करके मतांतर के विरुद्ध इनका जो युद्ध है ये अत्यंत श्लाघनीय कहलाता है। तथैव राम जन्मभूमि आंदोलन में, तथैव हिंदू धर्म की रक्षा में अपना स्वयं भाग लेना और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनाओं को सदैव मार्गदर्शन देते आना इनका बहुत हिंदू धर्म के ऊपर रहने वाला बहुत बड़ा सिंपत्ति को दिखला रहा है। तथैव
धर्म रक्षण, शास्त्र रक्षण, भारतीय संस्कृतियों का रक्षण, ऋषि परंपरा का रक्षण, ये करते करते सिर्फ हिंदू जनों के मन में ही नहीं, सारे देश में रहने वाले अन्य धर्मी भी अनेक लोग इनके भक्त बनकर, इनके अनुचर बनकर, इनके नाम से संगठनों को रचाकर समाज की अनेक प्रकार की सेवा को कर रहे हैं। मुसलमानों का ही एक संगठन है पेजावर श्री अभिमानी संघ कहके, कर्नाटक में प्रचलित में है। क्रिश्चियनिटी में भी अनेक लोग इनके शिष्य हैं, मुसलमानों में भी अनेक लोग इनके शिष्य हैं। इनका एक ही मंत्र है, मम मंत्र समानता, सारे लोगों को शांति और सौहार्द से, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अपने अपने धर्मों को पालन करते, औरों के धर्म को गौरव भाव से देखते हुए देश की श्रेष्ठता के लिए, परंपरा की उन्नति के लिए संगठित रूप से हर एक व्यक्ति को कार्य करने चाहिए। ये हमारे स्वामी जी समाज को देने वाला सबसे बड़ा पुकार है। ऐसे ही इनका एक ध्येय वाक्य, सब लोग इसको मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कर्तव्य निष्ठा को बतलाते बतलाते गीता में जो उपदेश किया था उसका व्याख्यान रूप में जगतगुरु मध्वाचार्य जी एक बात कहते हैं, नाना जनस्य शुश्रूषा कर्तव्या कर्मन्विते, दीन दलितों की सेवा जो है ये हम भगवान को अर्पित करने वाला टैक्स है। इस वाक्य को सदैव मन में रखते हुए स्वामी जी सदा काल उन लोगों के सेवाओं में जुड़े हुए हैं जो समाज में अत्यंत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े वाले कहलाते हैं, उनके सेवाओं में, भगवान की सेवा को देखते देखते, उन लोगों में, उनके भीतर भगवान को, श्री कृष्ण को देखते देखते सामाजिक सेवा में स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वयं पंडित होते हुए, बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान होते हुए, अनेक विद्वानों को रचना, विद्वानों की तैयारी करते हुए, सदैव पाठ प्रवचन, पीठाधिपति होते हुए अपना जाप तप संस्थान की पूजा, इनके साथ सामाजिक कार्य, इससे बहुत बड़ा एक विचार स्वामी जी का तपस्या है, निरंतर पाठ करना, एक क्षण भी व्यर्थ ना होने के लिए देकर सदैव छात्रों को अपने समीप बिठा के मात्र सिद्धांत के मेर ग्रंथ कहलाता है श्री सुधा ग्रंथ, श्रीमन न्याय सुधा ग्रंथ, इस ग्रंथ का पाठ निरंतर करते आते हैं। हर 3 साल में छात्र बदलते रहते हैं स्वामी जी। हर एक जो पूर्ण प्रद विद्यापीठ में 11 साल तक अपने कोर्स को पूर्ण करके उन्नति रूप में पास होकर स्वामी जी के साथ संचार में आते हैं, स्वामी जी समाज सेवा, धार्मिक सेवाओं को करते करते आसे तो हिमाचल पर्यंत निरंतर संचार करते करते अपने छात्रों को सुधा पाठ निरंतर पढ़ाते रहते हैं। ये उनकी और एक बहुत बड़ी तपस्या है। अन्नदान, विद्यादान, सामाजिक सेवा, जो अध्ययनशील छात्र हैं उनकी सहायता, पिछड़े जमानों वाले, पिछड़े लोगों की सहायता, जो दीन दलित कहलाते हैं उनकी सहायता, अशक्त रोगियों की सहायता, जो प्राकृतिक विकोप से पले हुए हैं उनकी सहायता, इस अनेक प्रकार, वो एक दो हम गिनती से नहीं कह सकते, अनेक प्रकार के सामाजिक धार्मिक सेवाओं को स्वामी जी निरंतर करते करते आज अपनी देश में अपने ही ढंग से एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये हमारे लिए, ये हम सब के लिए एक बहुत गर्वपूर्ण बात है। ये शायद ही हमारे बीते जन्म का पुण्य का पल है। हम आदरणीय स्वामी जी को, परम पूजनीय विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को अपने गुरु के रूप में देख रहे हैं। और एक बात कहना जरूरी है, श्री कृष्ण जो मध्वाचार्य जी से उडुपी में प्रतिष्ठित है, इस कृष्ण को पूजा करने के लिए 8 मटके स्वामी जियों को 2 साल का एक अवसर दिया जाता है। हर एक मटके स्वामी जी 2-2 साल तक पूजा करते करते
दो साल के बाद औरेक मठ के स्वामी जी को पूजा का अधिकार हस्तांतर करते आते हैं। इस परंपरा में ज्यादा से ज्यादातर स्वामी जी यहां सिर्फ चार बार सर्वज्ञ इसे सर्वज्ञ पीठारोहण कहते हैं, जिस पीठ में जगतगुरु मध्वाचार्य जी बैठकर तपस्या तर्पण जप ताप करते करते कृष्ण जी का कृष्ण भगवान का पूजा कर रहे थे, उस सर्वज्ञ पीठ में बैठने का अवसर दो साल के लिए एक एक पीठाधिपति को मिलता है। ऐसा अवसर आज तक ज्यादा से ज्यादा पीठाधिपतियों को सिर्फ चार बार ही मिला है। ये भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे स्वामी जी के ऊपर। इस बार 2016 से 2018 तक स्वामी जी पांचवें बार सर्वज्ञ पीठारोहण करके उडुपी के मथनी और रसी पकड़े हुए बाल रूप कृष्ण को अनन्य भक्ति से दो साल तक पूजा करते करते वहां पर भी भारतीय संस्कृति की सेवा, धार्मिक सेवा, सामाजिक सेवा, अन्नदान, ज्ञानदान, ऐसे अनेक प्रकार के सामाजिक सेवाओं को करते करते अपने जीवन की सार्थकता को ढूंढ रहे हैं। ऐसे स्वामी जी के शिष्य बनना ये हमारे पूर्व जन्म का पुण्य ही हम कह सकते हैं। इन वचनों को कहते कहते मैं अपनी वाणियों को परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। गुरु प्रियदान हरि प्रियदान।